बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। याशा विलेज के आज के व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और सबको हंसता मुस्कुराता से रखे। जो जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, इसी नेक और ख़ूबसूरत सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जो है ना अपने साथ क्या क्या कुछ लेकर बैठी हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये है लेसन हमारा, जो देसी लेसन जो था वो कुछ दिन पहले हम ज़मीन से निकाल के घर लेकर आए थे। तो ये ना इतना तेज़ है कि छीलने में जो है ना वो बिल्कुल नाखूनों में दर्द होने लग जाता है और नाखूनों में इतनी जलन होने लग जाती है ना जब इसको छीलते हैं। तो फिर इसका जो है ना वो बेहतरीन सा इलाज होता है मेरे पास कि मैं अम्मी को बोलती हूँ कि मुझे ना इसके जवे बना दो काफ़ी सारे एक ही दफ़ा। तो ये देखिए, अम्मी ने सारे जो है ना वो मुझे लहसुन के जवे बना के दिए हैं और उसके बाद अब मैंने जो है ना वो इनको ये देसी तेल, सरसों का देसी तेल जो होता है जो हम सरों बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल, तो ये मैंने इसको लगा दिया है लहसुन को। और लगा के ना अब मैंने इसको रख देना है और सुबह तक ये इतने छिलके इसके नरम होकर जो है ना वो अपने आप ही उतरेंगे। और बल्कि ये अभी से नरम होना शुरू हो गए हैं और अभी से ये ना मसलने से ही जो है ना वो इसके छिलके जो है ना ये देखिए, ये मैंने अभी थोड़ा सा मसला है और ये मैंने जवा जो है ना वो बिल्कुल छीन लिया है। तो मैं ना इसी तरह ही करके रख लेती हूँ कि जवे बना के ना इसके काफ़ी सारे इसको देसी तेल लगा के जो है ना वो इसको रख देना और कल तक जो है ना वो इतना आसानी से लहसुन छिलेगा। भले आप जितना मर्जी लहसुन छील के रख लें तो ना ही उंगलियों में नाखूनों में दर्द होता है ना जलन होती है और जो है ना वो फौरन फौरन से छीला जाता है, मतलब जल्दी जो है ना वो काम हो जाता है। तो एक तो मैं ये काम कर रही थी और आज मुझे लग रहा है कि तेल तेल दे है, मतलब हर काम मेरा जो है ना वो तेल से रिलेटेड ही हो रहा है आज। तो दूसरा है भाई, इस बोरे में क्या है? तो जनाब देखते हैं इस बोरे में क्या है। तो खुल जा सिम सिम करके जो है ना वो हम इसे खोलते हैं। ये तो भाई काफी वजनी है, उठकर ही मुझे उठाना पड़ेगा। तो जनाब ये है कनोला सरसों का जो है ना वो तेल है, जो खाने वाला तेल होता है ना वो, ये हमने निकलवाया है। हमने सरों जो है ना सरसों वो लगाई हुई थी घर में खाने के लिए, हम जो है ना हर साल लगाते हैं। तो ये ना उसका ऑयल जो है ना वो भाई निकलवा के लाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो इसके नीचे ना मैल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी मैं इसको ना इस गैलन में से निकाल के तो इस जो है ना वो देगचे में रख लूंगी। ये ना 24 घंटे तक, कल तक जो है ना वो इस देगचे में पड़ा रहेगा, तो इसके नीचे जो भी खल वगैरह मैल वगैरह होगी वो देगचे के नीचे बैठ जाएगी और फिर ऊपर वाला तेल है ना वो हम दूसरे देगचे में निकाल के उसको जो है ना वो बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। बाद लोग कहते हैं कि लहसुन डाल के पका लो या थोड़ा सा अदरक डाल के पका लो तो तेल जो है ना वो उसमें से स्मेल भी नहीं आती और एक कच्चापन भी नहीं होता, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं और वही तेल हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चावलों में, सालन में, हर किस्म की हंडिया में, फ्राइंग में, और यकीन करें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अभी जो है ना काफ़ी वजनी गैलन है तो खड़े होके मुझे जो है ना वो इसमें डालना पड़ेगा ऑयल। बिस्मिल्लाह,
जी माशाल्लाह देखें, देगचा जो है ना वो पूरा भर गया, और इसके नीचे ना अभी से जो है ना वो काफी सारी एक वो मैल और खल जो है ना वो जमा हो गई है। गेलन को भी धो के साफ कर लेंगे ताकि फिर इसको बाद में धोना मुश्किल हो जाता है। इधर ही बाहर पड़ा रहेगा ताकि ये अच्छी तरह जो है ना ठंडा हो जाए और इसकी मैल कुचैल जो है ना वो नीचे बैठ जाए। तो यहाँ पे जनाब मैं पकाने लगी हूँ माश की दाल, ये देखें। और इसको जो है ना मैंने आधा घंटा पहले ही जो है ना भिगो के रख दिया था। दाल को अगर हम भिगो के रखते हैं ना बहुत अच्छी सी फूल जाती है और बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैं तो जो भी दाल पकाती हूँ ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले उसको ज़रूर जो है ना वो भिगो के रख दूँ, तो इससे जो है ना दाल बहुत अच्छी बनती है। तो ये लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने छील लिया है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। अब जो है ना वो यहाँ से प्याज मैंने काटने हैं। तो आज की दाल की खास एक बात ये भी है, मतलब रोजाना से ना स्पेशल है। रोजाना से स्पेशल इसलिए है कि आज जो है ना वो दाल मैंने बनानी है देसी घी में। ये देखें देसी घी जो है ना वो मैं निकाल के ले आई हूँ, खालिस देसी घी। वो इसलिए कि ऑयल जो है ना वो खत्म हो गया था, तो भाई आज ही बनवा के लेकर आए हैं, तो वो तो अभी जो है ना वो तैयार नहीं है, तो उसको अभी पकाना बाकी है। पका के ठंडा करके छान के तो फिर जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी 1-2 दिन जो है ना वो इसी तरह जो हंडिया वगैरह हम देसी घी में ही बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है बड़े किस्मतों वाले होते हैं वो लोग जिनको आज के दौर में भी जो है ना वो खालिस देसी घी अवेलेबल होता है खाने खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि दूध दही मक्खन लस्सी जो है और साथ में देसी घी, मतलब हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने खास तौर पर हमें अता किया हुआ है। तो जनाब खाद मैंने डाल ली है सब्जी को। असल में हुआ ये है कि अचानक से मुझे पता चला है कि इस खाले में जो है ना वो पानी आया हुआ है, और उधर वाली जमीन को ना पहले से ही पानी लग रहा है, ट्यूबवेल जो है ना वो चल रहा था। तो मैंने सोचा कि इस जो मौके से ना फायदा उठा लिया जाए, साथ ही जो है ना वो सब्जी को पानी लगा के और जो है ना वो खाद है वो डाल ली जाए। तो दोनों खादें मिक्स करके डाली हैं, DAP खाद है और यूरिया है, दोनों को मिक्स किया है और इसमें के अंदर जो है ना वो सब्जी के अंदर डाली है, और साथ ही जो है ना वो पानी लग चुका है। असल में 2-3 दिन पहले ना इसको दोबारा से गोड़ी किया था, तो फिर अब जो था ना वो इसमें खाद ही डालने वाली थी, तो जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि अचानक से और फौरन से जो है ना वो ये काम भी मैंने लगे हाथों जो है ना वो कर लिया हुआ है।
तो जनाब मैं आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ कि ये जो माल्टों के पौधे हैं इसमें कुछ मौसमी हैं, कुछ मिठड़ों के पौधे हैं और कुछ ऑरेंजेस के पौधे हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह ना इस बारी बहुत ज़्यादा फल जो है ना वो उठाया हुआ था। तो हुआ कुछ यूं है कि कल जो है ना वो अबू जी के कुछ मेहमान आए हुए थे और वो ना शहरी लोग थे, जैसे शहरी बाबू होते हैं। तो उन्होंने जो आते ही ये पौधे देखे और वो समझे कि ये शायद ना लीमों के पौधे हैं और इनको इतने ढेर सारे जो है ना वो लीमू लगे हुए हैं। और उन्होंने जनाब ना आओ देखा है ना ताओ, तो इस वाले पौधे से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे जो थे ना ऑरेंज वो तोड़ लिए। और तोड़ के कुछ हमारे घर में दे के कहते हैं कि इसका हमें लीमू पानी बना दो, और कुछ जो है ना वो अपने घर ले गए। तो इतना बाद में जब उसको काटा तो बाद में पता चला कि ये तो लीमू के पौधे थे ही नहीं, ये तो जो है ना वो छोटे छोटे मौसमी और जो है ना मिठड़ियों के पौधे थे और इनमें से जूस बिल्कुल नहीं निकला। और बाद में जो है ना जब उन्होंने बताया कि हमने तो इधर से तोड़े हैं, क्योंकि अबू वालों ने ये कहा कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से तोड़े, हम समझे कि इधर पीछे लीमू का पौधा है, शायद लीमू से तोड़ के लाए हैं। मगर जो है ना उन्होंने बाद में बताया कि हमने यहाँ से तोड़े हैं। तो बहुत ही अफसोस हुआ कि अभी तो छोटा सा पौधा था और इसको इतना फल लगा हुआ था, तो अभी से जो है ना काफ़ी ज़्यादा फल जो है ना वो इस बेचारे का तोड़ के जो है ना वो ज़ाया कर दिया गया है। तो अब मैं देख रही हूँ मुश्किल से जो है ना इस बेचारे को दो चार लगे हुए हैं बस लीमू जो ऑरेंज है, बाकी जो है ना वो सारे इसके जो है ना वो तोड़ लिए हुए हैं। तो मेहमान थे, बंदा जो है ना वो कुछ कह भी नहीं सकता कि मेहमानों ने जो है ना वो इतना नुकसान कर दिया, इतना बड़ा मुझे इतना दुख हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है कि फ्रूट बेचारे को जो है ना वो पहली पहली बारी इतना लगा था और पहली बारी जो है ना वो ज़ाया हो गया। अभी तो पौधे छोटे छोटे हैं। तो ये सोच कर जो है ना वो बड़ा दिल दुखा है और दिल को दुख भी होता है कि किस तरह से मतलब जो है ना वो, खैर उनसे भी शायद बेध्यानी में हुआ हो, उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये जो है ना लीमू के पौधे हैं या ऑरेंज के। लेकिन मुझे जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों नहीं पता चला। मैं इन पौधों के दरमियान में खड़ी हूँ उस वक्त, मुझे यहाँ से खुद ही खुशबू आ रही है, ऑरेंजेस की खुशबू आ रही है, इनके पत्तों से महक उठ रही है और अजीबोगरीब से मतलब पता चलता है कि यहाँ जो है ना माल्टों के पौधे लगे हुए हैं। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि उनको क्यों नहीं पता चला कि ये जो है ना पौधे ये लीमू के नहीं है, ये माल्टों के हैं। और क्या ऐसा लीमू पानी के चक्कर में जो है ना वो हमारा इतना बड़ा जो है ना वो नुकसान कर दिया, हमारे बेचारे पौधे का जो वो फल था ना, नया नया फल था, ताज़ा ताज़ा फल था, वो ज़ाया कर डाला है।